हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत सोचा हुआ आदमी है, बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने। सर आपके पीछे कोई है? उम्मीद है खत्म। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। देख गाड़ी रोको। जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर सारंगी को तो बहुत चोट लगी होगी। समझ में नहीं आता बेचारे की क्या हाल हुए होंगे। डॉक्टर सारंग के साथ भी गायब हो गए। वही तो। अभिजीत हाँ सर जाओ ये देखो अभिजीत यहाँ पर खून पड़ा है। ये तो सड़के साहब का ही होगा सर। जब एक्सीडेंट हुआ होगा तभी उन्हें चोट लगी है। मगर जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है खून तो बहुत सारा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही थोड़ा है। हाँ सर गाड़ी में तो बिल्कुल भी खून नहीं है। गाड़ी में भी नहीं है? नहीं सर। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारंगी यहाँ करने क्या आया था? किसी से मिलने आया होगा सर। ऐसे सुनसान जगह पे ये देखिए गाड़ी में बिल्कुल भी खून नहीं है। हाँ बिल्कुल ही नहीं है। अभिजीत अभिजीत इधर आओ जरा। ये अभिजीत अभिजीत क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ अभिजीत? कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि एक एक करके हमारे सब साथी ऐसे गायब हो रहे हैं। हाँ एक एक करके गायब हो रहा है। ये जो भी कोई है जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा होशियार निकला। लेकिन अब तो अभिजीत उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। समझ लो उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब नहीं बचेगा ये हमारे हाथों, नहीं बचेगा। चलो इधर आओ ये देखो ये टायर के मार्क्स देखो। देखा कैसे चौड़े कि जरूर किसी ट्रक या बस के हैं। यस सर ये किसी बड़ी गाड़ी का ही निशान है सर। पता चल गया सर। ये देखो ऐसा इंडिकेटर ज्यादातर ट्रक्स में होते हैं सर। बिल्कुल करेक्ट है जी। इसका मतलब है सारंगी की गाड़ी को किसी ट्रक ने ठोका है। ऐसे हुआ होगा। ये बैरिकेड देखो, इस बैरिकेड को देख कर सारंगी ने अपनी गाड़ी रोक दी होगी। वो गाड़ी के बाहर आया उतने में वहां से ट्रक आया और सारंगी की गाड़ी को ठोक दिया, जिसमें सारंगी की गाड़ी का दरवाजा भी टूट गया। ट्रक बैरिकेड को तोड़कर यहाँ आके खड़ा हो गया और जैसे ही सारंगी ट्रक वाले से बात करने आया होगा ट्रक वाले ने सारंगी पर हमला किया होगा। ट्रक वाले को पकड़ना होगा सर। हाँ यहाँ से थोड़ी दूर पर टोलना का है। किसी ने तो देखा होगा ऐसे ट्रक को जाती हुई जिसकी लाइट टूटी हुई। काम करो अभी दया को फोन करो और कहो सारे ट्रक जितने भी ट्रक यहाँ से गए उन सब के बारे में पूछताछ करें। चलो दया। कितनी जोर से मारा है अभी तक दर्द हो रहा है।
किसने किया ये सब? कहीं के नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, बेवकूफ, कहीं के नीचे उतर। मैं बताता हूँ तेरा गलती है। मुझे कहीं के क्या किया तूने? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी फेल हो गई। बेवकूफ, कहीं के भाड़ा चाहता। देख 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 क्या किया मेरी गाड़ी का। देख कैसे हैं आप? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना आपको? मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। कौन और क्यों लाए हो क्या? मुझे तो लगा आप बहुत ही समझदार हो, तुम्हें खत्म करने के लिए लाए हैं हम। मुझे खत्म करोगी तुम? हाँ, और तुम्हें ही नहीं, एक एक करके पूरे सीआईडी का नामो निशान मिटा देंगे। बंद करो ये सपने देखना, बंद करो। जिस दिन सीआईडी यहाँ पर पहुंच गई ना, मारे जाओगे। तुम्हारी गर्दन हमारे हाथ में है और अब भी तुम सांसें सीआईडी की भर रहे हो। वैसे माना पड़ेगा, उस दिन उन्होंने उन्हें सुरंग में पकड़ लिया था, लेकिन हम किसी तरह वहां से निकल गए और अब उन्होंने हमारे साथी रंजीत को मार डाला। इसके बाद भी तुम सोचती हो कि तुम सीआईडी को काबू में कर लोगी? मुंह बंद कर अपना। तुम जानते नहीं हमारे बॉस को, पूरी की पूरी सीआईडी टीम को वो जड़ से मिटा देगा। फिर तो ये शहर क्या, पूरा देश हमारे कब्जे में होगा। और कौन है तुम्हारा बॉस? चोंच बंद कर दो अपनी। देखो, मैं तो तुम्हारे कब्जे में हूँ, और मुझे तो तुम लोग मार डालोगे। लेकिन मुझे मारने से पहले एक काम कर दो, मुझे तुम्हारे बॉस का नाम तो बता दो। क्या नाम है उसका? बॉस का नाम नहीं मालूम। ऐसे कब कहा मैंने? मैं जानती हूँ उन्हें। जानती हो तो बताओ। नहीं मालूम है तुम्हें तुम्हारे बॉस का नाम? नहीं मालूम। सच में बहुत दया आती है तुम पर, बेचारी लड़की एक ऐसे आदमी के लिए काम कर रही है जिसका नाम तक उसे नहीं पता है। सोचो जरा कौन है वो जो सीआईडी से टक्कर लेना चाहता है लेकिन खुद सामने नहीं आ रहा, आगे तुम लोगों को कर रहा है। मारे जाओगे तुम लोग सब और निकल के भाग जाएगा वो। सोचो सोचो जरा। तीस रुपया साहब। तुम जरा इधर आओ। कल रात एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से कुछ ही दूर में, एक ट्रक ने एक गाड़ी को बहुत बुरी तरह से मार दिया, कुछ मालूम है तुम्हें? सर ऐसी बातें तो हर दूसरे दिन यहाँ होती रहती है। जब से ये हाईवे बना है ना सर, तब से तो एक्सीडेंट तो कम हो गए, सारी गाड़ियाँ यहीं से निकलती है। वो ट्रक भी तो इसी चकनाते से गई होगी जिसने एक्सीडेंट किया था। सर आप बार बार उसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसी एक्सीडेंट के बारे में। आप है कौन सर? हम लोग सीआईडी से हैं। आप दरवाजे में। हाँ चलिए।
मैं सीआईडी से हूँ। अच्छा, यहाँ से इस टोल नाके से जितने भी ट्रक्स आते जाती है उसके तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना आप लोग? हाँ सर, रखता हूँ। जी हाँ। तो कल यहाँ से जितने भी ट्रक्स गए हैं उन सब के रिकॉर्ड चाहिए मुझे। हाँ सब कुछ मिल जाएगा। निकल। रजिस्टर हमें चाहिए। ठीक है, मैं आपको कल ला के देता हूँ। ओके सर। देखिए प्लीज। समझ में नहीं आ रहा सर, सारू के साहब को वहां जाने की जरूरत क्या थी? वही तो, तेरे दिमाग का आदमी अचानक दिमाग में कुछ आ गया, निकल पड़ा किसी को मिलने के लिए। सर हमारे लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, अकेले तो नहीं जाना चाहिए था कम से कम? बिना बात के सारू के कहीं नहीं जाएगा, किसी को मिलने के लिए, किसी ना किसी ने तो उसे बुलाया है। किसने? एचडी ने। एचडी ने? मुझे तो लगता है एचडी ने ही बुलाया है, या एचडी ने या फिर उसके किसी आदमी ने किसी बहाने उसे बुलाया है फोन करके। वो तो पता चल जाएगा सर। वो कैसे? सारुंके साहब को कल कितने भी फोन आए थे उन सब की लिस्ट मंगवा लिया मैंने। अच्छा, कभी भी फैक्स आ सकता है। क्या हुआ? आप सही कह रहे थे सर, कल रात 9:30 बजे लैंडलाइन से फोन आया, उसके बाद ना तो उन्होंने कोई फोन किया ना कोई फोन आया। था कि वो किसी को तो मिलने ही गया था। किसे, किसने बुलाया होगा उसे? मुझे पता लगा ये फोन नंबर है किसका और कहां से आया था। सारे ट्रक्स आप ही की कंपनी के? जी बिल्कुल, अपने ही हैं जी। इस इंडिकेटर को पहचानते हैं? जी बिल्कुल। YUFGO998। ये ट्रक तुम्हारी कंपनी का? ये तो मेरे ही ट्रक का नंबर है। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? पर आप कौन? मैं CID सर। CID? इस इंडिकेटर को पहचानते हैं ना? जी बिल्कुल, ये तो हमारे सारे ट्रकों पे लगा हुआ है। पर ये आपको कहाँ से मिला? यही हाईवे के पास के सड़क पे। लेकिन ये ट्रक वहाँ कैसे पहुँच गया? अब ये आप मुझे बताइए। जी, इसी ट्रक को लेकर मैं बहुत परेशान था। मैंने मनोज को बताया था दूसरे रास्ते से जाने के लिए, लेकिन न जाने क्यों वो हाईवे के रास्ते से चला गया। ये मनोज कौन? ड्राइवर है सर, जिस ट्रक की आप बात कर रहे हैं वो उसी ट्रक को चला रहा था। आप जरा इस मनोज को बुलाइए। उसी का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, कई बार फोन लगा चुका हूँ लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा। अच्छा, कितने बजे तक आने वाला था वापसी? जी वो सुबह 6 बजे तक आ जाना चाहिए था उसको, लेकिन अभी देखिए ना दोपहर हो गई, अभी तक नहीं आया। ओ, इसका मतलब है ये भाग गया। कोई बात नहीं, आपके पास उसका घर का एड्रेस वगैरह तो होगा ना? उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है मेरे पास। ये लीजिए सर। ठीक है।
सचिन ये एड्रेस लिख लो, चौल नंबर 46 खार, ये उस ड्राइवर का एड्रेस है। हाँ, उसका नाम मनोज है। तुम और ताशा जल्दी से एड्रेस पे पहुँच जाना, मैं वहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ओके। कमाल है, आज के दिन से पागल लोगों से पाला पड़ा। अरे फोन नहीं करना है तो क्या कहना है आपको? देखो, मैं सीआईडी से जो कुछ पूछूं चुपचाप उसका जवाब दो। सीआईडी साहब, मेरा मशीन बिल्कुल बराबर है साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। देखो, कल रात यहाँ से एक आदमी ने फोन किया, कौन था वो? एक आदमी साहब, इधर से तो 100 आदमी फोन करता है साहब। कल रात 9:30 बजे, 9:30 बजे यहाँ से किसने फोन किया? 9:30 बजे, 9:30 बजे तो मैं दुकान बंद कर देता हूँ साहब। देखो, फोन यहीं से किया गया है, तुम्हारे पीसीओ से फोन किया गया है, ठीक से याद करके बताओ कौन था वो। हाँ साहब, कल रात को जब मैं शटर गिराने वाला था तो दो लोग इधर आए थे, बड़ी जल्दी में थे साहब, बड़ी मिन्नतें करने लगे कि मुझे फोन करने दो। क्या क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? वो डॉक्टर से बात कर रहे थे साहब, तो मुझे लगा शायद उनके घर में कोई बीमार होगा। डॉक्टर? हाँ साहब, उन्होंने डॉक्टर को जल्दी कहीं आने के लिए बोला। शाहरुख के साथ हाईवे पे बुलाया होगा उन लोगों ने। जी साहब। कुछ नहीं, ये बताओ उन दोनों को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? जी साहब, जरूर पहचानूंगा साहब। वेरी गुड, मेरे साथ चलो, स्केच बनाओ उनका, चलो जल्दी चलो। चलो ये क्या तरीका है ये? क्यों लाया गया मुझे यहाँ पर? तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। सरप्राइज बताओ, क्या सरप्राइज? सुनल सुनल डॉक्टर साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? सरप्राइज तो अभी बाकी है, तुम ही देखोगे। डॉक्टर साहब, इतनी मेहनत से हम इन सबको लाए हैं और इतनी आसानी से छोड़ दे तो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। इतना गुस्सा इस उम्र में, इतना गुस्सा ठीक नहीं आपके लिए डॉक्टर साहब। देखो, ठीक नहीं कर रही हो तुम। आई विल किल यू, आई विल किल यू। मुझे मारोगे? हाँ, ऐसा सोचना भी मत डॉक्टर साहब, नहीं तो एक एक करके तुम्हारे सारे साथियों को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगी। समझे? समझे डॉक्टर सालुन के? गॉड, ओ गॉड, मैं अपने साथियों के लिए कुछ नहीं करना। लो, शुरू कर दिया इमोशनल ड्रामा, बंद करो ये सब ड्रामा तुम्हारा, और तुम इन सबको खोल दो। सीधे खड़े रहो। ठीक नहीं कर रहे हो तुम ये लोग।
बचोगे नहीं तुम, बचोगे नहीं तुम। तुम सबके लिए है, बहुत ही खास सरप्राइज है। ले आओ इन सबको मेरे पीछे। बहुत पछताओगे तुम। दयासर ने तो रूम नंबर 46 ही बताया था। 46? ये तो 42 है। 43? और ये तो 50 से शुरू हो रहा है। यहाँ होना चाहिए। सिक्स, इस तरफ होगा। मनोज, मनोज, दरवाजा खोलो। मनोज, दरवाजा अपने से खोलो। मनोज, हमें पता है कि तुम घर के अंदर ही हो। दरवाजा खोलो। मनोज, मुझे लगता है दरवाजा तोड़ना नहीं है। सचिन सर, परेशान क्यों? मनोज मिला है? सर मनोज तो नहीं मिला, लेकिन लेकिन क्या बात क्या है? सर सचिन सर गायब हो गए। गायब? ये क्या बोल रही हो? हाँ सर, मैं और सचिन सर मनोज के यहाँ उसे ढूंढने गए। मैं बाहर ढूंढ रही थी और वो अंदर। जब मैं अंदर गई तो वो वहाँ नहीं थी। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। तुमने घर के अंदर जाके देखा फिर से? हाँ सर। चलो एक बार फिर देखते हैं। मनोज का घर। सचिन, सचिन,
सचिन किसी का दरवाजा खुला है, शायद उसने मनोज को देखा होगा और शायद उसके पीछे क्या होगा। हाँ सर, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो देखते हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? लंबा गोरा सा आदमी है, उसके हाथ में गन थी। सीआईडी वाला है वो? नहीं नहीं रे, बेवकूफ। सर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। थोड़ा दाढ़ी भी था। ठीक है सर। देख, कुछ पता चला सचिन का? नहीं सर, जब से वो मनुष्य के घर में घुसा था तब से वो गायब है सर। उसका फोन भी नहीं लग रहा। कैसे लगेगा, अब तक तो उसका फोन बंद कर दिया गया होगा। क्या, तो कहीं सचिन का भी किडनैप हो गया? सर मुझे लगता है ये एचडी का ही काम है। तो ये भी हो सकता है कि सचिन ने मनोज को घर से बाहर भागते हुए देखा होगा और उसका पीछा करते करते गया। अरे यार दया, अभी तक थोड़ी ना भाग रहा होगा, इतनी देर हो चुकी है, कम से कम हम में से किसी को तो फोन करता। कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे तो लगता है अभिजीत, सचिन भी एचडी का निशाना बन गया है। सर एक बार इस एचडी का सर मेरे दोनों हाथों के बीच में आ जाए तो नारियल की तरह फोड़ दूंगा। समझ में नहीं आ रहा कि वो सब ऐसा कर क्यों रहा है, चाहता क्या है वो हमसे? अभिजीत उस एचडी की दुश्मनी हमसे है, सीआईडी से, और इसीलिए वो सीआईडी से जुड़े लोगों को एक एक करके उठा रहा है। लेकिन हमसे कैसी दुश्मनी सर? हजारों दुश्मन है सीआईडी के, कितनों को तो हमने जेल में भेजा है, फांसी दी है। दिमाग खराब हो गया एक का उनमें से किसी का। पर इतनी हिम्मत सीआईडी ऑफिसर पे वार करें? वही तो, इतनी हिम्मत। सर सर स्केच रेडी। ये सर, ये तो मनोज है। मनोज? सर इस मनोज ने उन्हें किडनैप किया सर, यही है वो ट्रक ड्राइवर मनोज। ओ, तो इस मनोज ने फोन करके सारुंके साहब को वहां बुलाया, अपने ट्रक से उनकी गाड़ी को उड़ाया और सारुंके को ले गया, और अब खुद भी भाग गया। दो लोग आए थे ना तुम्हारे पीसीओ पर फोन करने के लिए? हाँ साहब। तो दूसरे आदमी का स्केच बन गया? यस सर। दिखाओ जरा। ये कैसे हो सकता है? सारुंके साहब ये भी आया था तुम्हारी दुकान पर? हाँ साहब, ये दोनों साथ में आए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, सोच के बताओ, तुम जानते हो ये कौन है? हाँ साहब, यही थे साहब, नहीं तो मैं स्केच कैसे बनवाता साहब? तुमने इन दोनों को आपस में कुछ बात करते सुना था? नहीं साहब, ये दोनों बहुत जल्दी जल्दी में आए और फोन किया और फिर चले गए। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सानू के दिमाग घुमा दिया इसे। कहीं सारुंके इन लोगों के साथ मिला हुआ तो नहीं? ये फोन करने के लिए खुद पीसी को जाए, और तो और फोन करने के बाद वो हाईवे के पास गए, खुद अपना एक्सीडेंट करवा लिया। एक्सीडेंट छोड़ो, खुद की किडनैपिंग करवा ली। ये सारा मामला तब से शुरू हुआ है सर, जब से डॉक्टर सोनाली का किडनैप हुआ। पहले डॉक्टर सोनाली, फिर डॉक्टर तारे का, फिर डॉक्टर सारुंके ने तो नहीं करवाया सर। समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, सारुंके कर क्या रहा है। सर ब्यूरो के बाहर कोई ये पैकेट छोड़ के भाग गया। स्टैंड किया कोई बम तो नहीं? बिल्कुल सेफ है सर। अभिजीत मेरे लिए, दया, एसीपी, तीनों के नाम पर एक एक लेटर।
अगर अपने साथियों को बचाना चाहते हो तो वक्त बर्बाद मत करो, इस एड्रेस पर जल्दी पहुंच जाना। तो ये है इसका आखिरी प्लान। अब हम सबको निशाना बनाना चाहता है ये। सर हमारे लिए भी अच्छा मौका है, हम लोग भी इसे ढूंढ रहे हैं, वहां पहुंचे तो अपने साथी को बचा भी सकते हैं। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एचडी की चाल हो आप लोगों को फंसाने के लिए। जो कुछ भी हो ताशा, अब हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, अब हम पीछे नहीं है। ठीक है, एक काम करो, तुम ब्यूरो में ही ठहरो, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फोन करेंगे, समझे? आखिरी बात आ गया, मैं इसे मसल के रख दूंगा सर। एड्रेस तो यही है, यहां पे तो कोई भी नहीं है। प्राइवेट नंबर किसका हो सकता है? हेलो, जल्दी आगे बढ़ो इंस्पेक्टर, अगर अपने साथी को बचा सकते हो तो बचा लो। हेलो, कौन बोल रहे हो तुम? किसको बचाने की बात कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है इंस्पेक्टर, जल्दी आगे बढ़ो। हेलो हेलो हेलो, किसको बचाने की बात कर रहे हैं? जगह तो यही है, तो कोई दिख नहीं रहा, अंदर चल के देखता हूं। सचिन और काजल यहीं पे है, अब तो कोई दिख नहीं रहे। हिम्मत है तो सामने आके दिखा। अच्छा लग रहा है तुम्हें परेशान होते हुए देखकर। तुम्हारे दो साथी मौत के मुंह में, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। कौन बोल रहे हो तुम?
अरे उसकी इतनी जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। अपने साथियों को बचा सकता है तो बचा, सिर्फ 30 सेकंड है तेरे पास। चुपचाप छोड़, हेलो हेलो Ah!
कोई है यहाँ पे? सबसे बड़ी मंजिल पार कर ली बॉस, अब इन्हें खत्म करें या इनका होश में आने तक इंतजार करें? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी इनका बुलावा नहीं आया है। मतलब आप कब से इन तक पहुंचना चाहते थे और आज जब ये आपके सामने है आप इन्हें मानना नहीं चाहते? मैंने कब कहा कि मैं इन्हें जिंदा रखूंगा? ये मरेंगे जरूर, पर मुझे इन्हें नहीं मारना पड़ेगा। ये तीनों अपने आप खुद ही एक दूसरे को खत्म करेंगे। एसीपी अभिजीत को मारेगा, अभिजीत दया को मारेगा और दया दोनों को मारेगा। एसीपी प्रद्युम, अभिजी, दया, एसीपी के दोनों पहलवान, दो दो शेर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बहुत घमंड था ना इन लोगों पे तुझे, देख तेरे साथ कैसे बंधे पड़े। ये लोग होश में क्यों नहीं आ रहे? बहुत वक्त खा रहे हैं। एक काम कर, ये ऐसे उठने वाले नहीं है, पानी मार। इस तरह से बांध के क्यों रखा है हम लोगों को? जाग गए एसीपी साहब, जय हो, जय हो, वेलकम एसीपी साहब। क्या चाहिए तुम्हें? साहब साहब क्यों नहीं बोलता? हिम्मत है तो सामने आके बात करना, यूं बुजदिलों की तरह अंधेरे में छुप के क्या बात करना है? पागल समझता है क्या मुझे? हाँ, पागल तो तू वाकई बन चुका है एचडी। कौन एचडी? तू, तू एचडी और कौन? तुम्हारी मौत हो, मगर आसान वाली नहीं। जरा नजरें घुमा के अपनी बाईं तरफ देखो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।